हमारे साथ मांडर की विधायक शिल्पी नेहत्र की। शिल्पी जी, सबसे पहला है कि आप सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद के लिए मतदान कर लिए हैं, और एक जैसे बताया जा रहा था कि आदिवासी श्रीमत अंतर आत्मा द्रौपदी मुर्मू यहाँ से राज्यपाल रह चुकी है। बार बार बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि जो आदिवासी हैं उनको अपनी अंतरात्मा का आवाज़ सुनकर द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट करना, चीज पे क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि भाजपा मान सम्मान का बात करता है। मान सम्मान अगर आपको आदिवासी को इतना ही दिखाना है तो आपने हमारे से जो गैर कानूनी तरीके में ज़मीन लूटा है और आज आपको कोर्ट बोल रहा है उस ज़मीन को आप वापस करिए उस ज़मीन को, मान सम्मान लौटाइए हमारा। जो आपके सरकार में यहाँ पे झारखंड राज्य में जो आप CPT CNT एक्ट को बदलने का कोशिश किए, तब हमारा मान सम्मान का आपको नहीं पड़ा था। आज जो फॉरेस्ट राइट एक्ट में आप अमेंडमेंट करके आदिवासी को उसे हटाने का कोशिश कर रहे हैं, तो क्या उसमें आपको मान सम्मान आदिवासी का नहीं दिख रहा है? ठीक है, आप एक आदिवासी महिला को ला रहे हैं, मगर बाकी सारा जो आपका पॉलिसीज़ है जहाँ हित में आदिवासी का काम होना चाहिए वहाँ कुछ काम नहीं हो रहा, तो मैं क्या समझूँ? इससे क्या समझूँ? एक तरह का षड्यंत्र समझूँ, चाल समझूँ आपका? उन्होंने ये भी कहा कि आज कांग्रेस का असली चेहरा उजागर हो गया, उन्होंने आदिवासी पक्ष में वोट नहीं करके यशवंत सिन्हा को वोट करने का काम किया जो एक हारा हुआ प्रत्याशी है। हम लोग किसी कांग्रेस का यही सुंदरता है, ब्यूटी ऑफ कांग्रेस इज कि हम लोग कभी भी जाति लिंग ये देख के हम लोग किसी को वोट नहीं करते हैं। हम लोग गांधी विचारधारा से जुड़े हुए हैं और गांधी विचारधारा में हम चलेंगे, इसी में हम चलते आ रहे हैं। और रही बात हमारी वोट की, तो आज हमने वोट भी किया है तो इसी विचारधारा पे बेस्ड किया है। और अगर आपने भाजपा को देखें तो वो जाति के नाम पे इस भारत देश को तोड़ने का कोशिश कर रही है शुरू दिन से, और आज भी क्या हो रहा है? आज भी इतने सर्वश्रेष्ठ पद के लिए भी क्या हुआ? पूरे देश को तोड़ा गया जाति और लिंग के धर्म पे। शिल्पी जी, अब बस 2 से 3 दिन बाद सर्वोच्च पद पे द्रौपदी मुर्मू आसीन होंगे, क्या रहता है? झारखंड में कई बिल लंबित है आदिवासियों के, आपने कहा सरना बिल, ऐसे कई ऐसे बिल हैं जो लंबित है, क्या लगता है उनके सर्वोच्च पद पर आसीन होने से पास हो पाएगा? मैं इस अगर एक महिला आदिवासी इस पद पे आती हूँ तो मैं उनसे एक ही मैसेज उनको कन्वे करना चाहूँगी कि द्रौपदी मुर्मू जी, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, आप कृपया करके अपनी अंतरात्मा का बात सुनना, और इन ये जो छल कपट लोग आपके इर्द गिर्द घूमेंगे इनके बात में आके आप आदिवासियों को मत भूलना। चलिए, ये थे हमारे साथ मांडर की विधायक शिल्पी नेहत्र की, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि कांग्रेस की जो खूबसूरती है, हम लोग जाति रंग भेद नहीं देखते हैं। और जो इनका साफ स्पष्ट ये भी कहना है कि इनके जो आलाकमान थे उन्होंने तय किया था कि यशवंत सिन्हा के पक्ष में ही मतदान करना है, तो क्या कि भाजपा से इन्होंने बार बार यह कह रहा कि भाजपा की अलग सोची समझी रणनीति होती है, राजनीति होती है, वो लोग जाति रंग भेद की दिखाती है, लेकिन हम लोग इस तरह का नहीं देखते हैं। और हम लोग जो यहां से कह सकते हैं जो उन्होंने तय पहले से किया, हम लोग उन्हीं का मत देने का काम किया है। कैमरा सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मनीष झा, न्यूज़ विंग, रांची।